जहां कांग्रेस पार्टी लखनऊ में करेगी मार्च। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के तहत होगा मार्च और 12 बजे प्रियंका गांधी मार्च में शामिल होंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 12 बजे प्रियंका गांधी मार्च में शामिल होंगी। कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी शामिल होंगी और कई क्षेत्रों की प्रभावशाली महिलाएं इसमें हिस्सा लेंगी। कांग्रेस पार्टी आज लखनऊ में मार्च करेगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के तहत ये मार्च होगा। 12 बजे प्रियंका गांधी मार्च में शामिल होंगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर, कई क्षेत्रों की प्रभावशाली महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत आज महिला दिवस के खास मौके पर मार्च किया जा रहा है, लगभग कितने बजे शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी लगातार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक अभियान चलाया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये अभियान उनका शुरू हुआ था, उसी के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया था। 159 महिला प्रत्याशी थी तो 403 विधानसभाओं में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह अभियान आज शुरू हो रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो लखनऊ राजधानी के 1090 चौराहे से शुरू होकर विभिन्न इलाकों में होते हुए गांधी प्रतिमा पर पहुंचेगी, जहां वो शांति मार्च करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस की 159 प्रत्याशियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिला कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियों में ये कहती नजर आई है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो हो, कांग्रेस के फेवर में परिणाम हो या ना हो, लेकिन ये अभियान महिलाओं के लिए हमारा जारी रहेगा। उसी क्रम में आज प्रियंका गांधी वाड्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह अभियान कार्यक्रम की है। 12 बजे 1090 चौराहे से शुरू होकर विभिन्न इलाकों में होते हुए गांधी प्रतिमा पर आकर इसका समापन होगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, अभी आपने भी जो बात कही, अगला सवाल मेरा यही था कि एक और जो विधानसभा चुनाव में लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ चुनाव के लिए उनकी ओर से बड़ा नारा दिया गया जिसमें महिलाओं के विकास की वो बात कर रही है, लेकिन अब जब पूरी तरह से वोटिंग समाप्त हो चुकी है, बावजूद इसके वो लगातार महिलाओं को लेकर इस तरह से काम कर रही, क्या लगता है कि क्या ये जो विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने खेला, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, क्या ये 24 तक आगे बढ़ाकर ले जाएगी? क्या इसी मुद्दे को कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर भी बुलाने की कोशिश है? बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। प्रियंका जी, जिस प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से चुनाव से पहले यह कार्यक्रम शुरू हुआ और चुनाव कल ही अंतिम चरण का चुनाव समाप्त हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इस अभियान को लगातार जारी रखने के लिए हर रैलियों में भी अपने ये संबोधित किया है, जनता को बताया है कि मैं कांग्रेस यहाँ यूपी में हारे या जीते उससे मतलब नहीं है, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का अभियान लगातार ये जारी रहेगा जब तक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो समाप्त नहीं होगा, तब तक ये अभियान चलेगा। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ये हर रैलियों में बोली है, लेकिन उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो दिल्ली से स्पेशली इसी कार्यक्रम के लिए आई है, चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और ये लगातार मंचों से बोली है, तो वो अब इस अभियान को कब तक जारी रहेंगी ये तो प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस ही जानती होगी, लेकिन प्रियंका गांधी का दृढ़ निश्चय ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम को लेकर जो किया गया है वो लगातार उसको पिछले 6 महीने से कर रही है और आगे भी संभावना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही है वो लगातार करने में सक्षम होंगी या करते हुए दिखेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत मार्च होगा और जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं, 12 बजे प्रियंका गांधी खुद भी इस मार्च में शामिल होंगी। अगली खबर एटा से